टाइटू के कारण ये गाना इनको मिला। वो तो इनके श्रद्धा थी हमारे प्रति, और मैं बोला भी हूँ ये मेरी एक बहन की तरह है। हम आर्टिस्ट हैं, वो पर्दे पे हैं, हमारा रिश्ता इसे एक बड़े भाई और एक छोटी बहन की तरह है। जीवन में हर आदमी फैन होना अलग मैटर है, इसलिए अपने हाथों पे ठीक है टाइटू बनवाया। मैंने मना भी किया, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। होली की सर मेरे दिल में श्रद्धा था, उसको कैसे मना करती, तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग आपके घर में भी माँ बहन बेटी है, और आप लोग कुछ लोग गंदा गंदा बातें इसके बारे में बोल रहे हैं, दो लोगों को मैं सुना, वो ठीक नहीं है। आप भी किसी बहन के भाई हैं, आप भी किसी माँ के बेटे हैं, आपकी भी कोई बेटी होगी तो किसी भी माता बहन बेटी का सम्मान करिए। अगर आप दूसरों की माता बहन बेटी का सम्मान करेंगे तो शायद आपके भी बेटी बहनों को सम्मान वही मिलेगी, तो मेरी कोशिश है। और ये हल्दी गाने को लेके आज मुझे लगता है कि कब तक आया हुआ है पापा, अक्टूबर जब मैं छठ गा रहा था तभी ये गाना मुंबई में ही गाया गया था। चलिए 13 मिनट में 1 लाख गई, तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जी। चलो आज यूट्यूब हैंग हो जाना चाहिए, आज रिलीज हुआ है, हिट तो ये पहले हो गया था। चेंबर बंद भी हो गया चेंबर, ठीक है, अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चेंबर जाम हो जाता है भाई ये यूट्यूब का, इतनी जल्दी क्या है। सबको प्यार करिए, और किसी के गाने चुरा के गा देने से अगर स्टार बनना होता तो मैं चाहता हूँ कि 2-4 गाने और भी गाया हूँ, कहिए तो मैं दे देता हूँ, आप लोग गा लीजिए। जिसको दुनिया प्यार करती है तो चोरी से इंसान बड़ा नहीं हो सकता। इंसान मुझे लगता है कि इंसान मेहनत करके बड़ा हो सकता है और समाज में अच्छी जिंदगी जी सकता है। तो आप सब कोशिश करिए मेहनत करने के लिए। हमारे जितने यूट्यूबर भाई हैं, चाहे वो मेरे बारे में गलत बोलते हैं या और अच्छा बोलते हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कम से कम मेरे बारे में बोलते तो हैं वो, मुझे बुरा किसी का नहीं लगता है, क्योंकि उनको बंद कमरे में अपनी प्रतिक्रिया रखनी होती है और हम समाज को हैंडल करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों पे वर्क करना होता है, बहुत सारी चीजों पे बातें करनी होती है, हमें बहुत कुछ देख कर बोलना होता है। उनको बंद रूम में बोलना है तो अपनी प्रतिक्रिया, उनकी जितनी सोच है उस हिसाब से वो बेहतर कर रहे हैं, तो वो बुरे नहीं है, कोई बुरा नहीं है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता। बस मेरी कोशिश यही रहती है कि हाँ, आप ऐसे शब्दों का चयन करें जिस शब्दों से ना जनता को ठेस पहुंचे और ना ही किसी पर्टिकुलर इंसान को ठेस पहुंचे। आपके शब्द में वो बातें होनी चाहिए जिससे आपकी माँ बहन भी सुन सके उस शब्द को, और आप भी बोलते समय हिचकिचाहट ना हो, और दुनिया को आपके शब्दों से मजा आना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी बंद रूम में आप किसी के लिए बोल दें, किसी के लिए प्रतिक्रिया दे दें, ये बेहतर नहीं है। मेरे कहने का मतलब, आप मुझे गाली ही दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि मैं वो सब सुनता ही नहीं, वो मेरे विचारधारा में आता नहीं। मेरे पास वर्ग इतने हैं कि मैं कुछ कुछ चीजें सुन पाता हूँ, कुछ कुछ नहीं सुन पाता हूँ। आज जो सुनता हूँ उसमें हंसता हूँ, क्योंकि हंसना सबसे बड़ी ताकत होती है। आप अगर आपको कोई गाली देता है तो आप हंसिए ना, मजा लीजिए उसी में, कम से कम उस बेचारे की तो रोटी मिल रही है, तो बुरा नहीं हो सकता, मैं उसको कभी बुरा नहीं बोलूंगा। तो बस वो आपका विचारधारा है। कल भी बहुत हंसा था जब मैं गाना रिलीज हुआ था, कल मोबाइल में आउट हुआ था, आज चैनल पे आउट हुआ। अच्छी बात है, मैं सबसे कहूंगा कि आप मेहनत करिए, हर आदमी को जनता ही प्यार देती है। आप सच्चाई की तरफ जाइएगा, सच्चा बनके काम करिएगा तो। और यहाँ हर और एक चीज और, जिस दिन ये गाना 100 मिलियन के से पार होगा तो मेरी तरफ से बाबा को 1 लाख रुपया का चेक जाएगा, क्योंकि मैंने जितने भी राइटर हमारे बिहार के हैं, यूपी के हैं, चाहे जहां के भी, जिनका गाना 100 मिलियन होगा वो मेरे तरफ से उनको 1 लाख रुपए का चेक जाएगा। क्योंकि राइटरों की औकात शायद खेसारी से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिखे हुए गाने को हम गा कर इतना बड़ा, उनको 5,000 और 10,000 नहीं, 15,000 20,000 नहीं, जितना बड़ा पैसा हिंदी इंडस्ट्री के राइटरों को मिलता है
तो आप बेहतर सोच के लाइए, बेहतर गवाइए, कंपोजिशन करिए, हर उस एक लाख का हिस्सा आप सब बनेंगे जितने भी हमारे बिहार रूपी के राइटर हैं। मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, एक तरफ मेरे तरफ से 1 लाख रुपए का चेक आप सबको जाएगा ताकि आपका उत्साह बढ़े और आप भी अपने आप को कमजोर ना समझे। थैंक यू सो मच। आप लोगों को गाना कैसा लगा एक बार आपका प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। शूटिंग कैसा लगा? और आप शोभिया बिल्कुल मत घबराइए, ये दुनिया बोलेगी। हंसना सीख लो, हंसना सीख लोगे ना तुमसे ज्यादा खुशी धरती पे कोई नहीं हो सकता। तो हंसो, जब बोलते हैं ना तो कभी भी आओ तो उदास मत हो, हंसो। जब फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा ना तो तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा, ओके। और दुनिया तुम्हारे और मेरे रिश्ते को क्या बोलती है इसको हटा दो, तुम मेरी बहन की तरह हो, ठीक, और रहोगे, ओके। और किसी का सवाल? सर माइक रख के कर लेते ना। हाँ माइक रख के कर लेते हैं, तो एक ही आदमी कोई सवाल करेगा तभी हो पाएगा। बैठ जी आप, तो बोलिए के सफर में हर रास्ते पर कांटे आएंगे। बैठ जी आप, बैठ जी आप, बाकी लोग।